बुरहानपुर जिला कलेक्ट्रेट में एक परिवार ने अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया। बिजली का बिल अधिक आने के कारण परेशान परिवार लालटेन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और गेट के सामने बैठकर परिवार ने बच्चों ने यहां पर लालटेन के उजाले में होमवर्क किया। दरअसल ग्राम लुन निवासी परिवार अधिक बिजली बिल आने से परेशान था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से परिवार ने एक साल से बिजली का बिल भी जमा नहीं किया था। ये बिल बढ़कर करीब 26,000 रुपये हो गया था। अब विभाग ने परिवार के घर की बिजली काट दी है और परिवार ने भी मार्मी के प्रदेश अध्यक्ष दत्तू मेरे के साथ जिला पंचायत CEO को समस्या बताई, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों को गांव जाकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। हो पा रही है, हमारी मम्मी 100 रुपये रोज से खेत में जाती है, मेरे पापा 200 रुपये रोज से खेत में जाते हैं। हमको खिलाएंगे या हमारे को सिर्फ कंट्रोल मिलता है। हमारी ये समस्या है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर में अंधेरा अंधेरा ही है। मेरे भाई बहन कैसे पढ़ाई करेंगे, हम कैसे बिच्छू सांप निकलते, अंधेरा ये पूरे घर में और बच्चे सीधे ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। आज क्या करने आए कलेक्टर कार्यालय? ये बिजली के यहाँ से कि हमारे घर की लाइट चालू करो, टेक्निकल उनको बताया कि आप जांच कर लीजिए कैसा क्या हो रहा है, तो बता भी नहीं पा रहे। और इनको शॉर्ट भी लगा खंभे पे, उनके घर में आर्थिंग का करंट भी आ रहा है, तो उन्होंने वो देख नहीं रहे, बस बिल दिए जा रहे हैं और कोई समाधान नहीं कर रहे। बच्चे अपने लैब में पढ़ाई लैम्प के माध्यम से, दत्तू मेडे राष्ट्र उपाध्यक्ष भीमार में। आज ये लैम्प हम कलेक्टर मैडम को गिफ्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि आप भी कम से कम एक दिन इसमें गुजारा करें, फिर इनका अनुभव लीजिए आप।